हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएनएमएस एसएससीएल पर्स। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के पार्ट 8 की। इससे पहले 7 पार्ट्स कवर किए हैं और उनमें काफी सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ठीक है। और अभी आगे आने वाली टाइप्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, सो आपका ये पार्ट्स देखना काफी जरूरी है, ठीक है। सो पार्ट हम अभी दो से तीन पार्ट और भी इसके बाद कवर करेंगे, जिनमें हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एसएससी और बैंकिंग के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप बाकी पार्ट्स के लिए विजिट कर सकते हैं एनएनएमएस एसएससीएल पर यूट्यूब चैनल, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो आइए आज का पार्ट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हमने काफी क्वेश्चंस देखे और शुरुआत में हमने कुछ पार्ट्स में बेसिक्स देखा था, और बेसिक्स अबाउट द प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और फिर सीपीएमपी और एसपी का आपस में रिलेशन देखा था, और उसके बाद जो भी हमारे पास कंसेप्ट आए थे उनको हम बारी बारी से डिस्कस करते आए हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और इसी तरह से हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं अभी। सो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। तो यानी कोई चीज है जो कि 20% लाभ पर बेची गई है, यानी 20% प्रॉफिट है, ठीक है। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर लेस बाय ₹10 एंड ₹5 रेस्पेक्टिवली। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर इनको ₹10 और ₹5 से लेस कर दिया जाए, ठीक है। नाउ द प्रॉफिट परसेंट इंक्रीजेस बाय 10%। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि 10% जो है प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो 10% अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो हमारे पास ऑलरेडी कितना प्रॉफिट था, 20% था, तो अब हमारे पास जो नया प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 30% अब न्यू प्रॉफिट हमारे पास होने वाला है, ठीक है। अब पूछता है कि कॉस्ट प्राइस इनिशियली कितना था, ठीक है। तो हम देखें यहां पे, तो इनिशियली हमें 20% का प्रॉफिट था, ठीक है। यानी 20% का मतलब 1/5, यानी कोई चीज 5 की थी और 6 में बेच दी। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारे पास क्या था, 5:6 और 6x। सीपी और एसपी का रेशियो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बोलता है कि ₹10 इसको घटा दो, तो हमने इसमें से -10 कर दिया, और ₹5 इसको घटा दो, इसमें से 5 कर दिया माइनस। अब बोलता है कि अब जो न्यू प्रॉफिट परसेंट है वो 30% है, मतलब 10 से 13 है, ठीक है। यानी 10 में खरीदेगा तो 13 में बेचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यू सीपी और एसपी का जो हमारे पास अनुपात आएगा नए सीपी और एसपी का, वो कितना होगा, 10 से 13, यानी 10/13। तो न्यू सीपी और एसपी हमारे पास जो बाद का है वो ये आ गए रिड्यूस करने के बाद, और उनका अनुपात क्या है, ये है। तो केवल आपको इनका अनुपात लिख देना है, ठीक है। तो 5x-10/6x-5 = 10/13। इसको 10 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि सीपी का ऊपर एसपी का नीचे, क्योंकि यहां पे सीपी ऊपर है और एसपी नीचे है, ये सीपी और ये एसपी रेड्यूस्ड, जो कि कम किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 65x-130 बराबर क्या आया, 60x-50। अब इसको इधर ले गए तो इधर 5x बच गया, 130 को इधर ले आए तो 80 बच गया। तो x हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया, x हमारे पास 16 आ गया, ठीक है। तो अब पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस इनिशियली, तो इनिशियली तो हमने क्या माने थे, 5x और 6x माने थे, ये थे इनिशियली, रिड्यूस करने के बाद इनमें से माइनस कर दिया था। तो इनिशियली हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 5x, तो 5x यहां पे 5x क्या हो जाएगा, x अगर 16 है तो 5 × 16 यानी 80। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 80, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 80, ओके। आगे देखते हैं, तो इसमें केवल इतना ही है कि स्टेप वाइज आप करते जाओ, कुछ भी नहीं है, केवल इसमें 5x-10 ये रिड्यूस सीपी रिड्यूस एसपी और उनका रेशियो 10 से 13, न्यू जो नया प्रॉफिट होगा उसका रेशियो लेंगे, ठीक है। क्योंकि नया सीपी और एसपी है तो नया सीपी और एसपी नए प्रॉफिट से ही सीपी एसपी का अनुपात लेंगे, ठीक है। और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करके हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो सीपी पूछा हो तो 80, एसपी पूछा होता तो 6x में पुट कर देते, यानी 96 हमारे पास आ जाता, ठीक है। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओन ए पेन, तो कोई पेन है, ठीक है, कैलकुलेटेड लॉस परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस इज 10%।
तो कॉस्ट प्राइस पर ही हम काउंट करते हैं, ठीक है, यानी 10% उस पर क्या है, लॉस है। फाइंड द लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। तो अब बोलता है कि ये 10% लॉस कब है, जब हम इसको सीपी पे काउंट करते हैं। बोलता है कि अगर हम इसको एसपी यानी विक्रय मूल्य पर अगर हम इसको काउंट करते हैं तो कितना लॉस परसेंट होगा। तो इतना तो हमें पता है कि लॉस हुआ है यानी 10%, ठीक है, 10% लॉस हुआ है, इसका मतलब 1/10। तो मतलब अगर 10 सीपी है तो लॉस कितना है, 1 रुपए का, ठीक है। यही हमें परसेंटेज बताता है, यहां से फ्रैक्शन से हमें यही पता चलता है कि 10 अगर टोटल हमारे पास सीपी है तो उसपे 1 रुपए का लॉस हुआ है। तो एसपी कितना होगा, सीपी माइनस लॉस, इतना ही तो है, 10 पर 1 का लॉस हो गया, यानी 1 कम पे बेची तो एसपी हमारे पास 9 रुपए आ गया, एसपी हमारे पास 9 और लॉस कितना 1। तो हमें परसेंटेज लॉस किस पे निकाल देना है, परसेंटेज लॉस एसपी पे निकाल देना है। तो 1 लॉस और 9 हमारा एसपी इंटू 100, तो इंटू 11 से 1/9%, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, केवल आपने परसेंटेज था उसको तोड़ा, परसेंटेज का मतलब आपने समझा कि 10% का मतलब हमारे पास फ्रैक्शन क्या आता है, 10% यानी 10/100 यानी 1/10। तो 1 का 1 की हानि किस पर, 10 पर, ठीक है। तो बेचा कितने में था, 9 में बेचा होगा, फिर 10 पर 1 का लॉस हो गया तो 9 में बेचा ना, तो अब 9 पर 1 पार्ट। और इसने बोला क्या है कि सेलिंग प्राइस पर लॉस निकालो, उस पर परसेंटेज निकालना है, ठीक है। एक्चुअली हम निकालते तो एसपी पर सीपी पर ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी कि आपको एसपी पर निकालना है, ठीक है। तो आप नीचे एसपी लो और लॉस हमारा 1 रुपए का था, उसको हमने काउंट कर दिया 11 से 1/9%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 99 ईच। तो 99 रुपए की हर एक चीज बेचता है, ठीक है, यानी दो चीजें हैं, दोनों को 99 और 99 में बेचता है। एट वन ही गेन 10%, एट अनदर ही लॉस 10%। तो जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था, पीछे पार्ट में सेम एसपी और सेम हमारे पास रेट आ रही है, ठीक है। तो एक पे प्लस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट और एक पे सेम ही लॉस हो रहा है। तो हमने क्या था कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऑलवेज हमेशा लॉस होता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको हमेशा लॉस ही मिलेगा इस पे, ऐसी सिचुएशन में जब सेम एसपी हो और सेम आपकी रेट हो, एक पर प्रॉफिट की एक पर लॉस की। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट याद कर रखा था कि R²/100 से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत, ठीक है। लेकिन इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज, तो रुपीज में पूछा है। तो ये दोनों खरीदे कितने के थे, ये हम लॉस परसेंट क्या निकालते हैं, ओवरऑल लॉस परसेंट, कि हम ओवरऑल यानी ओवरऑल मतलब कि पूरे यानी दोनों चीजों के ट्रांजेक्शन में 1% का लॉस होने वाला है, ठीक है। दोनों चीजें बेची कितने की, 99 99 198 की, लॉस कितना होगा, लॉस परसेंट इतना। तो आर हमारे पास क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100/100 यानी 1% यहां पे लॉस होने वाला है। तो देखो 1% लॉस है यानी 1/100, यानी 100 सीपी है तो 1 क्या है, लॉस है, ठीक है, जैसा कि पीछे किया था, ठीक है। तो एसपी कितना होगा, 99, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि जब एसपी 99 है तो सीपी कितना है, 100। हमसे पूछा क्या है, लॉस पूछा है, सॉरी। तो एसपी 99 है तो 1 का लॉस, अगर ये डबल हो जाता जैसा कि यहां पे, लेकिन है कितना, 198, तो ये डबल तो लॉस भी डबल, तो हमारे पास लॉस कितना आ गया, 2 रुपए। एक बार फिर से बता देता हूं, ये हमने पिछले पार्ट में ये कंक्लूजन हमने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। आप उनको विजिट कर सकते हैं अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो, या फिर आप खुद करके देख सकते हैं। एक बार आप खुद करके देखेंगे तो आपको मतलब फाइनली यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। R²/100 से हमने लॉस परसेंट, ओवरऑल जो लॉस परसेंट था वो निकाल लिया, 1%, 1% लॉस है। तो आप मान लो सीपी है, उसका 1% लॉस हो गया तो 99% पे बिकेगा वो कितना है, 198, ठीक है। तो 2 पे कट गया तो सीपी कितना आ गया, 200, ठीक है। आपको ऐसे ना भी करोगे अगर ये चीज समझ नहीं आती, बाकी ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम आगे काफी सारे क्वेश्चन में बचाएगा, ठीक है।
तो आप इसको भी समझ लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से हो जाता है, ठीक है। हो सभी जाते हैं लेकिन इसमें कई में टाइम लग जाता है, ठीक है। सो सीपी हमारे पास कितना आ गया, ये 200 रुपए, ठीक है। तो 200 रुपए सीपी आ गया, एसपी 198 था, तो लॉस कितने आ गया, 2 रुपए का, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ए मैन सोल्ड ए बुक एट 9% प्रॉफिट, तो बुक है वो बेची 9% प्रॉफिट पे, ठीक है। अब बोलता है कि एंड पेन एट 13% प्रॉफिट, और पेन है उसको बेचा 13% प्रॉफिट पे। इफ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, अब ये बोलता है कि अगर, ये तो इसने दे दी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या दी कि अगर वो बुक को 13% प्रॉफिट पर बेचे, यानी 13% लाभ पर बेचे, और पेन को 9% लाभ पर बेचे, 9% लाभ पर बेचे, किसको, पेन को। ओके ही गेन्स ₹80 मोर, तो जो ये सिचुएशन थी, यानी इस, ये जो पहली सिचुएशन थी और दूसरी सिचुएशन है, तो इस केस में वो ₹80 ज्यादा कमा रहा है, ₹80 ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन इफ द ही परचेज बोथ, और दोनों का इसने टोटल, यानी बुक और पेन दोनों का टोटल जो सीपी है वो कितना दिया है इसने, 20,000। एक मिनट मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, साफ कर देता हूं। तो देखो हमने यहां पे ये जान लिया कि बी प्लस पी, यानी बी क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक का, ठीक है, प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन का कितना है, 20,000, ये हमें दिया है। और क्या दिया है कि 9% प्रॉफिट, 9% ऑफ बुक का, और 13% ऑफ किसका, पेन का, ठीक है, सीपी पे काउंट करते हैं। ये जो है इस केस में फर्स्ट केस आ गया, ठीक है, इस केस में। और दूसरा केस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पहला केस आ गया। दूसरा केस है कि जब 13% ऑफ बुक का प्रॉफिट हो और 9%, 9% क्या हो आपके पास, पेन का, ठीक है, प्रॉफिट, दोनों क्या है, प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा केस। तो इसमें जितना, इसमें मान लो प्रॉफिट कुछ भी कमाया होगा पी, तो इसमें कितना कमा रहा है वो, 80 ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछा है कि ये सीपी दोनों क्या होंगे, ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 में से एक को घटा देते हैं, तो यानी 13 CPB 2 में से 1 को माइनस कर दिया, ठीक है। 13 CPB 9%, ये सब परसेंट में है, ठीक है, 9% पेन का माइनस करो किस में, 9% सीपी बुक का प्लस 13% सीपी पेन का, ठीक है। और इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा था, 80, ठीक है, पी से पी कट जाएगा, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या था, 80। अब इनको घटाएं तो बुक का और बुक का, यानी 4% ऑफ सीपी ऑफ बुक, अच्छा इसमें 9 और ये -13, तो -4% ऑफ सीपी ऑफ पेन, इनका डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 80 आ गया, ठीक है। तो यानी 4% सीपी बुक और सीपी पेन 80 है, ठीक है, बराबर 80 है। तो इसको परसेंट को हटा दूं मैं, 100, 4 से नीचे क्या, 25, तो सीपी बुक माइनस सीपी पेन इज इक्वल टू 0, 25, 8, 200, यानी दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 2,000, ठीक है। और दोनों का सम हमारे पास क्या था, दोनों का सम हमारे पास था 20,000, ठीक है, 20,000 था ये, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक ही आ गई, दोनों से हम फाइंड आउट कर लेंगे सीपी दोनों का, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख दे रहा हूं, सीपी बुक, बाकी मैंने इरेज कर दिया है, सीपी पेन इज इक्वल टू 2,000। अब दोनों को अगर एक बार ऐड करते हैं तो यानी इससे ये कट जाएगा, तो 2 CP बुक और 22,000, ठीक है, तो सीपी ऑफ बुक कितना आ गया, 11,000, ठीक है। बुक का अगर 11,000 है, टोटल 20,000 है, तो पेन का कितना आ गया, सीपी ऑफ पेन कितना आ गया, तो 9,000 आ गया, 20,000 में से माइनस कर दिया, ठीक है।
तो हमारे पास दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 11,000 और 9,000, यही हमसे पूछा गया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन। ठीक है, तो हमने केवल इतना सब आपको एक बार करके देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप कुछ 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट कैसे करना कि 9 और 13, बुक और पेन पे 9 और 13, फिर 13 और 9। ठीक है, अब ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है उस चीज का जरूर ध्यान रखना। अगर कम मिलेगा तो पहले में से दूसरा घटाओ, और ज्यादा मिलेगा तो दूसरे में से पहला घटा दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला कि अगर घटाएं तो 4%, देखो 9% और 13% ये बुक का और ये पेन का। दूसरी सिचुएशन क्या है, 13% बुक की और 9% पेन का। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये कम होता तो इसमें से ये माइनस कर देते। तो आप हमेशा ये देखना दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, हमारे पास 4 ही है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास आया 4% बुक का और 4% पेन का, और वो ही क्या आएगा, इनका जो डिफरेंस होता है वो आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखना, आपको बाकी सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ 5-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप हैबिट हो जाएगी, आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, और इससे आगे आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, देखिए इसमें हम करते हैं फटाफट। तो दोनों का जो टोटल सीपी है किसका, 2 साइकिल्स का, देखो एक बार पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर बोट 2 साइकिल, 2 साइकिल खरीदी 1600 रुपए की। ही सोल्ड वन एट 10% प्रॉफिट, तो एक को बेचा 10% पर, दूसरे को बेचा 20% प्रॉफिट पर। एक को 10% प्रॉफिट पर, एक को 20% प्रॉफिट पर। ही अर्न्स ए सर्टेन प्रॉफिट, ठीक है, उससे उसको कुछ लाभ होता है। बट ही सोल्ड द साइकिल्स बाय एक्सचेंजिंग देयर प्रॉफिट परसेंट, तो अब ये क्या करता है कि इसको 20% प्लस पे बेचता है, इसको 10% प्लस पे बेचता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अब ये सिचुएशन एक्सचेंज करने के बाद उसको प्रॉफिट 5 मोर मिल रहा है। तो जैसे पीछे 80 मोर मिल रहा था, यहाँ पे 5 मोर, तो परसेंटेज का डायरेक्ट आप डिफरेंस लीजिए, कितना, 10%। तो 10% फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस, ठीक है, वो कितना आया हमारे पास, 5। ठीक है, यही हमने पीछे किया था। तो आप 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन लिखना। ठीक है, तो 10% हो गया, तो 1-2 कितना हुआ, ये हमारे पास आ गया 50। ठीक है, और दोनों का देखो 1-2 आ गया 50, 1+2 हमें दिया था, यानी 1+2 क्या है कि पहले का सीपी दूसरे का सीपी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों का सीपी का सम क्या था, 1600। तो 2 1 कितना आ गया, 1650। तो पहले का जो सीपी था वो कितना आ गया हमारे पास, वो हमारे पास आ गया 825, और 1600 दोनों का था, तो 1600 में से 825 माइनस करेंगे तो दूसरे का सीपी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 775। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था पीछे वाले की तरह ही। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना और फिर आप अपने हिसाब से एनालाइज अपने आप कर पाओगे और आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख पाओगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास था 825 और 775 दोनों साइकिल्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 books and 5 pen, तो इसमें परसेंटेज नहीं दिया, 8 book और 5 pen का टोटल कॉस्ट दिया है। तो ये बी और पी क्या है, ये बुक का कॉस्ट प्राइस और ये पेन का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एंड द फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो ये पूछता है कि 3 book और 2 pen का कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट कितना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 2 pens, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 books and 8 pens इज दिस, 5 books and 8 pens। तो देखो इसमें भी आपको रिवर्स मिलेंगे। ठीक है, रिवर्स मिलेंगे, तो आप देखो इसमें अगर दोनों का नहीं दिया है, एक बार उसमें भी क्या था, एक बार दोनों का हम प्लस निकाल रहे थे, एक बार दोनों का माइनस निकाल रहे थे, और दोनों इक्वेशंस को जो है ऐड करके उसको सोल्व कर ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस नहीं दिया हुआ है तो देखो आपको सेम दिया हुआ है। ठीक है, इसका 77 दिया है, तो दोनों को एक बार ऐड कर लो, तो 13 book + 13 pen, ये बी और पी क्या है, बुक और पेन के कॉस्ट प्राइसेस है। ठीक है, ये 13 क्या है, क्वांटिटी है, कितने हैं। ठीक है, तो इनको हमने ऐड किया 169,
तो बी प्लस पी बार 13 169, 13 से काट लिया तो बी प्लस पी यानी बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे इनको घटा लेंगे। अब जैसे घटा दिया यहां भी घटा दिया तो घटा भी सेम आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर घटा के लिखो तो 8 माइनस 5 3 बुक, यहां पे 5 माइनस 8 तो माइनस 3 पेन, कितना 92 में से 77 गया तो 15, ठीक है। तो b माइनस पी यहां से क्या आ गया 5 आ गया हमारे पास, ये बात समझ रहे हो। 3 को कॉमन ले लिया और 3 पंजे 15, ठीक है, 3 को कॉमन ले लेना और 3 पंजे 15 काट लेना, ठीक है। तो अब जैसा पीछे करते थे वैसा ही करेंगे, b माइनस पी इक्वल टू 5, अब दोनों को ऐड कर दिया तो p से p कट गया तो 2b यानी 2b यहां पे लिख रहा हूं मैं 2b बराबर 18, तो b क्या आ गया 9 आ गया, b हमारे पास क्या आ गया 9। तो बुक का जो कॉस्ट प्राइस है, b क्या था बुक का ही कॉस्ट प्राइस था, तो बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास आ गया 9। तो पेन का कितना बच गया, टोटल कितना था ये 13, पेन का कितना बच गया 4, ठीक है। और ये हमसे पूछा गया, नहीं पूछा क्या था, 3 बुक्स एंड 2 पेन्स का, तो देखो 3 बुक्स और 2 पेन्स, एक बुक का 9, 3 बुक का 27, एक पेन का 4, 2 पेन का 8, टोटल कितना हो गया 35, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 35, 3 बुक्स और 2 पेन्स का हमें कॉस्ट प्राइस पूछा था, 3 बुक्स और 2 पेन्स का, तो 35 हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो इसमें आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको नहीं दिया तो, अगर दोनों का सम दिया होता जैसा कि पीछे दिया था तो हमने परसेंटेज में भी यही तरीका अपनाया था, और अगर सीपी आपको दिए तो भी यही, ठीक है। तो आप केवल इसको प्लस माइनस करके इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 35, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करना, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन मतलब इन द सेंस एसएससी में काफी रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए शॉपकीपर, कोई दुकानदार है, गिव वन आर्टिकल फ्री, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्काउंट का। तो ए शॉपकीपर गिव वन आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल, कोई दुकानदार है, मान लो आप दुकानदार हो, ठीक है, शॉपकीपर, ओके। आपने क्या किया, आप बोलते हो कोई आपके पास ग्राहक आया कि आप 15 खरीदो मैं आपको वन आर्टिकल फ्री, ठीक है, एक आर्टिकल यानी एक चीज, आप 15 चीज खरीदो, जैसे कुछ भी होंगी, बुक्स होंगी, कुछ भी होगा, ठीक है, तो एक जो है आपको फ्री मिलेगा, ऐसा आपने काफी दुकानों में ऐसा डिस्काउंट ऑफर देखा होगा, ठीक है। तो आप 15 चीजें खरीदो, एक चीज आपको फ्री मिलेगी। उसके बाद क्या बोलता है कि ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 4% टू कस्टमर। अब ये तो उसने शर्त रख दी, ठीक है, लेकिन अब वो जितना उसका एमआरपी होता है उस पे डिस्काउंट, तो एमआरपी पे काउंट करते हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि जितना आप ये खरीदोगे उस पर मैं आपको 4% डिस्काउंट भी दूंगा यानी छूट भी दूंगा, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट हमारे पास 4% है, एंड स्टिल ही अर्न्स 35%, और उसके बावजूद भी उसका प्रॉफिट कितना रह जाता है 35%, यानी जितने में खरीदा था उससे 35% ऊपर फिर भी वो बेच लेता है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, सीपी रेशियो एमपी, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो ऐसे केसेस में आप सीधा मान लो कि हमारे पास टोटल चीजें कितनी है, टोटल चीजें हमें, मान लो आप दुकानदार हो, आपको देनी कितनी पड़ी चीजें 16, तो मान लो एक चीज का एमआरपी कुछ भी मान लो 10 रुपए मान लिया, तो 16 चीजों का टोटल एमआरपी कितना हुआ 160 हुआ, टोटल एमआरपी कितना हुआ 160 हुआ, ठीक है। आप क्या करते हो, आपको मिलेंगे कितने, लेकिन उसके हिसाब से आपने एक चीज तो फ्री दी है, तो एक्चुअली एमआरपी कितना होगा 150, लेकिन हुआ क्या कि अब बोलते हैं 150 क्या हुआ, क्योंकि 15 चीजों के हिसाब से तो 15 चीजों का तो 150 हुआ, और आपको तो उसी का पे करना है, तो आपको छूट भी किस पे मिलेगी, इसी एमआरपी पे मिलेगी, ठीक है। इस पर क्या बोला कि अब इस पर वो 4% डिस्काउंट देता है, कितना 4%, तो 150 का 4% कितना 6,
ठीक है, तो आपने कितने पे करने पड़े, 144 आपने, सॉरी आपने नहीं, जो जिसने खरीदा उसने, आप अगर शॉपकीपर हैं तो आपको बेचना कितने में पड़ा, 144 में, 144 में। अब अगले को तो 16 चीजें मिली, आपने भी 16 चीजें बेचनी पड़ी। आपका ये पूरा डिस्काउंट प्रोसीजर क्या रहा कि आपने 10 रुपए के हिसाब से चीज मानी, तो 10 रुपए हर चीज का एमआरपी माना, ठीक है, तो 160 रुपए टोटल एमआरपी हुआ, लेकिन उसको डिस्काउंट किस पर मिलेगा, 15 चीजों के एमआरपी पर, ठीक है, क्योंकि उसने तो 15 के लिए पे करना है, ठीक है, तो 150 पर 4% डिस्काउंट हमने दिलाया, ठीक है, और उसको 144 रुपए में बेच दी, कितनी चीजें, 16 चीजें। तो एक चीज अब 16 ही बेची है तो 16 ही खरीदी है, ठीक है, अब बोलता है कि फिर भी वो प्रॉफिट कितना कमा लेता है, 35%। तो देखो यानी 35% यानी 35/100, ठीक है, 5 से 7, 5 से 20, यानी 20 अगर उसका सीपी है तो वो 27 में उसको बेच लेता है। सीपी प्रॉफिट हमारा अकाउंट किस पे होता है, सीपी पे होता है, ठीक है, तो 20 अगर सीपी है तो 27 में वो बेच लेता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर 27 SP है, 27 SP है तो सीपी 20, एक है तो 20/27, ठीक है, और 144 है तो 144 से मल्टीप्लाई, ठीक है, अब इसको काटो कितना, 3 से 9, 3 चौके 12, 3 8 24, 3 से 3, 3 से 16, तो हमारे पास जो सीपी आया, यहां पे लिख रहा हूं मैं, सीपी हमारे पास जो आया यहाँ पे देखो, 16 2 32, यानी 320/3। अब ये सीपी कितने चीजों का आया, 16 ही चीजों का, क्योंकि 144 SP भी किसका था, 16 चीजों का था, ठीक है, और ये एमआरपी भी कितनी चीजों का था, 16 चीजों का, ठीक है, तो हमारे पास सीपी क्या आया, 320/3, और एमपी जो हमारा एमआरपी था वो कितना माना था, 160, ठीक है, तो हमारे पास आया, इसको काट लो, जीरो से जीरो, 16 से 2, यानी 2:3, तो सीपी और एमपी का रेशियो हमारे पास क्या आया, 2:3। तो आपको जो समझने का जो प्रोसीजर है वो केवल यहीं पे है, ठीक है, इसके बाद तो आपको एसपी आने के बाद तो आपको कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, तो 160 हमने 16 चीजों का एमआरपी माना, लेकिन वो पे कितने का करने वाला है, 15 का, तो 15 का कितने का है, 150 का, ठीक है, अब उस पे उसको डिस्काउंट भी मिलेगा 4% का, वो हमने दिया, तो 144 रुपए में फाइनली हमने डिस्काउंट प्रोसेस लगा के उसको 144 रुपए में बेचा, ठीक है, शॉपकीपर ने 144 में बेचा, ठीक है। अब 144 अगर एसपी है तो एक्स का आप चाहे ऐसे कर लो, 135%, यानी सीपी का 135% क्या है, 144, तो इससे हमारा सीपी आ जाता है ये, ठीक है, और अब सीपी और एमपी का हमसे रेशियो पूछा गया था, ठीक है, तो चाहे आप 16 चीजों का ले लो, चाहे यहां पर आप एक चीज का मान सकते हो कि 16 का 144 तो 1 का 9, ठीक है, फिर एक का एसपी, एक का ही सीपी फाइंड आउट करके, ये एक का एसपी है तो एक का ही सीपी फाइंड आउट करके, और एक का एसपी एमआरपी फाइंड आउट करके, एक का कितना माना था 10, फिर उनका रेशियो फाइंड आउट होता, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप 16 का 16 ही रखो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो 160, फिर 150 हम 15 चीजों का, फिर हमारा ये एसपी, और उससे सीपी फाइंड आउट किया क्योंकि प्रॉफिट 35% था, और सीपी और एमपी का रेशियो फाइंड आउट किया, 2:3, तो हमारा आंसर है 2:3। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, तो इसमें हमें क्या दिया है कि ए शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल्स फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल्स, तो 12 आर्टिकल आप खरीदोगे उसके साथ आपको 4 फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है, 12 खरीदिए 4 फ्री मिलेंगे, तो टोटल कितने बिक रहे हैं यहाँ पे, 16, ठीक है। ही ऑल्सो अलाउज डिस्काउंट ऑफ 20%, अब 20% इसके अलावा वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है, उसके अलावा 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है, एंड स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कितना कमा ले रहा है, 20%, ठीक है, यानी 5 से 6। ओके, सो फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एमपी, तो जैसा कि पीछे किया था हमने, तो 16 चीजें यहां पे बिक रही हैं, तो हम एमआरपी मान लेते हैं 16 चीजों का कितना, 160, ठीक है, शॉपकीपर के लिए एमआरपी कितना, 160, लेकिन जो जिसने खरीदा है उसको वो पे कितना करेगा, वो तो 12 चीजों के लिए पे करेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो 120 हुआ एमपी, ठीक है, एमआरपी। ओके,
अब बोलता है कि इस पे भी वो 20% डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। तो 120 का 20% कितना हुआ, 24, ठीक है। तो बिकी कितने में, 24 माइनस कर दो तो एसपी कितना आ गया हमारे पास, 96, ठीक है। तो एसपी हमारे पास 96 है सभी चीजों का, ठीक है। अब इस पे भी वो 20% कमा लेता है, तो यानी सीपी का 6/5, क्योंकि 5 से 6, तो सीपी का 6/5 कितना हुआ, 96। ये कैसे आया, 120/100 सीपी का, ठीक है। तो ये हमारे पास 6/5 है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो 6 से 16, तो सीपी कितना आया हमारे पास, 80 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सीपी हमने 80, तो सेम टू सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो किया है जैसा कि पीछे किया था, ठीक है। तो ये केवल ये समझने वाली बात है, बाकी आप एसपी आ गया तो सीपी तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। एसपी दे दिया आपको, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, तो सीपी तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास सीपी और एमपी, एमपी का रेशियो पूछा था मार्क प्राइस का, वो क्या आ गया यहाँ पे, ये था 80, ये 160, तो 1:2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करना, दिस इज मस्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो यू शुड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ओके। प्रैक्टिस मेक्स यू मोर पावरफुल, ओके। सो आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियोस के लिए आप विजिट कर सकते हैं एनएनएमएस एसएससी अल्पर्स को, और आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं एनएनएमएस एसएससी अल्पर्स पेज के नाम से। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और अपनी प्रिपेरेशन को बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू वेरी मच।